अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। आजा टोस्टी से जरा जोर देके बात कीजिए। उसे कहिए कि शाम को तेज को घर पर बुलाए। फिर हम दोनों मिलके जोर देके तेज से बात करते हैं। तेज प्रकाश चतुर्वेदी को आज शाम को घर पर ले आना, उससे कुछ जरूरी बात करनी है। तेज अपने घर पे बताता क्यों नहीं है तुम दोनों के बारे में? प्लीज यार, अब फिर मत शुरू होना। कम ऑन यार, 2 साल हो गए आजकल करते करते। तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं अपने घर में बात कर सकता तो क्या अब तक नहीं करता, चुप रहता? तेज शादीशुदा है और उसका एक बेटा भी है। शिवांगी, तुझे किसने बताया कि तेज शादीशुदा है? तेरी मम्मी को सपना है, उसे फोन करके मुझे बता दिया और मैंने तुझे बता दिया। क्या कैसे हो भाई? जी बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? अच्छा हूँ, अच्छा हूँ। खाना तो खाओगे ना? नहीं नहीं, वो हम लोग बाहर से खा के आ रहे हैं। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। वैसे तो मैंने फॉर्मेलिटी में ही पूछा था, घर के सारे बर्तन तो मैं पहले ही साफ कर चुका हूँ। आप भी ना। तेज बेटा, तुम कॉफी पियोगे? जी जी, वो एक मिनट, वो आपकी खांसी की दवाई है, खत्म होने वाली थी तो मैं ले आया। हाँ, मैं दोस्ती को बोलने वाली थी एक और लाने के लिए, पर तुम पहले ही ले आए। अरे मैं तो भूल ही गया था, ये आपकी टीवी। अरे ये रिमोट तुम्हारे पास क्या कर रहा है? मैं कल से ढूंढ रहा हूँ। अंकल, खराब हो गया था, मैं रिपेयर कराने ले गया था। रिपेयर करवाने ले गया था। अब अब मैं कॉफी बना कर आती हूँ, तुम बैठो ना, अंकल बात करेंगे। मामा, मैं आ रही हूँ। तेज बैठो। जी जी। दो साल से बस गोली ही दे रहे, जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा। वही तो करने आया है ना। धीरे बात कर, धीरे। वही तो करने आया है। अपने घर में जाना चाहिए ना बात करने के लिए। यहाँ भी इसलिए आया है क्योंकि हमने बुलाया है, कि 2 साल में तूने इसकी कोई क्लास नहीं लगाई। पापा बात कर तो रहे हैं ना। मिक्सी, कोल्ड कॉफी। आज मैं तुमसे कुछ खास बात करना चाहता हूं। जी कहिए। खास मतलब अलग बात है। अलग बात? हाँ, अलग मतलब वैसे तो हम लोग रोज ही बात करते रहते ना कि तुम कैसे हो, क्या चल रहा है, लेकिन ये बात थोड़ी अलग है। जी मैं समझ रहा हूं। तो बेटा, अरे ये 2 मिनट के लिए बंद करोगे, मेरी बात रुक जाती है। तो मैं ये कह रहा था कि आज सुबह तुम्हारी आंटी है ना सुधा, उनसे मेरी बात हुई, तो हमने तुम्हें यहाँ ये पूछने के लिए बुलाया है कि तुम्हारी शादी हो गई। मम्मी, सुधा, तू आंटी, अंकल अगर मैं शादीशुदा होता तो मैं कभी भी टोस्टी को इस तरीके से नहीं नहीं, ये शादीशुदा बस नहीं हुई है शादी। बैठो 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 बैठो। और बच्चे? हाँ?
आंटी, जब शादी नहीं हुई तो बच्चे कहाँ से होंगे? आप मजाक कर रही हैं ना? मम्मा, enough. ना तो उसकी शादी हुई और ना ही उसके बच्चे हैं. हो गया ना अभी, प्लीज. मुझे पहले से ही पता था. मैं तो सिर्फ इसके मुंह से सुनना चाहती थी. कॉफी लो ना. आप भी लीजिए ना कॉफी. आप दोनों बैठ के बातें करिए. बैठो ना बेटे, बैठो ना. हाँ सुधा, सुधा बीना, टेंच तुम बैठो, बैठो. देखो बेटा, सुधा की बात का बुरा मत मानना. अरे तुम तो जानते ही हो, उसे पहने कटा एक साथ ही रहते हैं. ये मत सोचना कि हमें तुम्हारे प्यार पे कोई शक या कोई एतराज है. लेकिन 2 साल हो गए, फिर भी हम तुम्हारी फैमिली के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते. हम ये भी नहीं जानते कि तुम्हारे परिवार वाले हमारी बेटी को स्वीकार करेंगे या नहीं. अंकल, मैं क्या कहूं? मैं आपकी चिंता समझता हूं. मैं बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था. मेरा मतलब है कि जब मैं घर वालों से टोस्टी की बात कहूं तो हर किसी का रिएक्शन पॉजिटिव होना चाहिए. यही चाहता था. पिछले 2 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं आया? नहीं बेटा, घर में सब ठीक तो है ना? हाँ अंकल, सब कुछ ठीक है. आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है. बस 2-3 दिन और. नहीं, 2-3 दिन और नहीं, कल ही. कल सुबह ही तुम अपने घर वालों से बात करो. दोनों परिवार मिलकर जल्द से जल्द सब कुछ तय कर लें. हम लोग चाहते हैं कि तुम्हारी और दोस्ती की शादी इसी साल हो जाए. ठीक है ना? कल सुबह? हाँ, क्यों? अगर तुम झिझक रहे हो तो कोई बात नहीं, अब हम लोग बात कर लेंगे. नो प्रॉब्लम. नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं अंकल. मैं खुद उनसे बात कर लूंगा कल सुबह. चाय के वक्त? जी, चाय के वक्त. तेज, I'm sorry. मैं जानती हूँ तुम्हें लग रहा होगा कि सब तुम पर एक साथ बरस पड़े. It's just that कि सबको फिकर. Toasty. तुम्हें मुझसे माफी मांगने की क्या जरूरत है? गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है. आजकल करते करते मैंने 2 साल निकाल दिए. अगर तुम्हारे पापा ने डेडलाइन नहीं दी होती तो शायद आजकल करते करते कितना और समय निकल जाता. सब गलती मेरी है. I'm sorry. तो कल चाय पे? Yes, कल चाय पे. जल्दी मिलना. जल्दी मिलूंगा. एक बार सबसे बात हो गई तो कहाँ जाऊंगा? तुम्हारे पास ही आऊंगा. Stupid. I mean, सपनों में मिलना. सपनों में तुमसे नहीं मिलूंगा मैं. क्यों? अरे बहुत डांटती हो यार. क्या करूं? सपनों में भी तुम्हारा बटन टूटा होता है. तो सपनों में भी तुम सुई धागे के साथ क्यों नहीं मिलती? तुम्हारे लिए नई शर्ट ना लेके आओ. चलता हूं. और नहीं, कल सुबह ही तुम अपने घर वालों से बात करो. दोनों परिवार मिलकर जल्द से जल्द सब कुछ तय कर लें. हम लोग चाहते हैं कि तुम्हारी और टोस्टी की शादी इसी साल हो जाए.
ऐसे मौकों पर तेरी बहुत याद आती है माँ। ऐसा लगता है कि अगर तू होती तो सब कुछ आसान हो जाता, कोई मुश्किल नहीं होती। कल सुबह मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूं जो 14 साल में इस घर में नहीं हुआ। आज रात नींद नहीं आएगी मां, लेकिन फिर भी अगर आंख लग गई तो तू आना मेरे सपने में, मुझे आशीर्वाद देना, बहुत जरूरत है मां, तेरे आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। आपने सोने नहीं दिया, बाथरूम जाना है, पेट में दर्द है, कितने बजे है, गैस हो गया है, बाकी तो पूरी रात आपने परेशान कर दिया। अब तो मुझे चैन से सोने दो। क्या कहा? कुछ नहीं। तो अब जा मेरे लिए चाय बनाने को बोल, चल जा। अरे जाना। आज चाय बनाने की बारी मेरी नहीं है। क्या? आज चाय बनाने की बारी। जान, शांति, जान। अनुज, आज चाय बनाने की बारी मेरी नहीं है मूर्ख, अब कृपा करके। क्या नहीं, क्या कर रहा है आज? आज मेरी बारी नहीं है चाय बनाने की, प्राचीन के जाके जगाओ उसे। लेकिन प्राचीन भैया कहाँ है? वो तो अपने बिस्तर में नहीं है। हाँ तो मुझे क्या पता ज्ञानी, जाके ढूंढ उसे, डर के भाग गया होगा, बारी है उसकी। ज्ञान अलार्म सोते हुए को जगाने के लिए होता है, मैं तो ऑलरेडी सालों से जागा हूँ। भैया आज चाय बनाने की बारी आपकी है। तो वही तो कर रहा हूँ। मतलब? मतलब चाय ही तो बना रहा हूँ। ये ऐसे कैसे चाय बना रहे हैं आप? सोलर चाय, ये सूरज की गर्मी से चाय बनेगी। क्यों सुबह सुबह सूरज भगवान को तकलीफ दे रहे हो? अरे घर में गैस है ना। पगले, ये गैस, बिजली, पेट्रोल, ये सब मानव सर्जित एनर्जी है जो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। सूरज की गर्मी क्या कभी खत्म हो सकती है? चाय। इसमें ना तो कोई पैसे लगते हैं, ना कोई टैक्स। आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर दुनिया देके जाएं। बेहतर दुनिया बाद में दे देना, पहले अच्छी सी चाय दे दो। कब तक बनेगी? देखने का पानी गर्म हो रहा है। ये तो ठंडा है। अरे हटना। देखो ठंडा है। अब मतलब गरम हो रहा है, हो रहा है गरम। चाय आज ही चाहिए? आज ही मिलेगी। तू जा, दूध आ गया होगा, मैं बाकी सामान डाल के रेडी रखता हूँ। मुझे नहीं लगता आज चाय मिलेगी। अरे जाना। माँ आज चाय पे सबसे कहने वाला हूँ, एक बार चाय बन जाए, सब लोग दो दो घूंट पी के मूड में आ जाए, अनाउंस कर दूंगा।
आशीर्वाद चाहिए। बड़े भैया, वेद भैया, तेज भैया, दादाजी, जल्दी आइए। क्या हुआ? क्या हुआ? जल्दी बाहर आइए। क्या हुआ? ये देखिए क्या हुआ? अरे क्या हुआ? कोई मुझे भी तो बताओ क्या हुआ? अरे क्या हुआ? हैं? क्यों चिल्ला रहा है? ये क्या बात हो गई? बड़े भैया। अरे क्या बात हो गई? चोरी हुई है। आज चौथी बार कोई हमारा दोस्त चोरी करके ले गया। क्या? हे भगवान, कलयुग है, कलयुग, पृथ्वी का नाश अब नजदीक है। लेकिन कोई दूध क्यों चुराएगा? ये पास वाली बिल्डिंग में जो वर्कर्स काम करते हैं उनका ये काम होगा, तो उनको पकड़ के ला, कस के पूछताछ करते हैं, सब पता चल जाएगा। पर आज तो सोमवार है। तो आज तो शंकर भगवान को दूध चढ़ाने का दिन है। भैया भगवान को छोड़ो, यहाँ भक्तों को चाय नहीं मिलेगी। सही कहा है किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि 2012 में पृथ्वी नाश हो जाएगी। देखो ना, भगवान की चोरी मंदिर में से, या अस्पताल में से बच्चों की चोरी, कहाँ देखो वहाँ चोरी, डकैती, खून। दादाजी क्या आप दिन भर ऐसी खबरें सुन के ऐसी भविष्यवाणी करते रहते? और नहीं तो क्या? अभी 2000 के विनाश की बात को थोड़ा सा साइड में रखिए, अभी 2012 में बहुत वक्त है। तो जाके पहले वर्कर्स को बुला जा। भैया भैया, आज चाय बनाने की बारी प्राचीन की थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी ने दूध छुपा दिया? आपको याद है पिछली बार जब उसकी खाना बनाने की बारी थी तो उसी ने गैस की नली काट दी थी। अरे भैया आप उसमें गलत इल्जाम लगा रहे। गैस की नली मैंने नहीं, चूहों ने काटी थी, चूहों ने। वो भी आपकी वजह से। वो जो आप गणपति बप्पा का वाहन कह के उन्हें खाना डालते हैं ना, बस इसी वजह से हमारे घर में चूहों की पांच हो गई है। तुम्हारे भगवान को बीच में मत लो। भैया आप पशु, इन्हें चुप करा। आप मुझे ये पशु 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 कहकर क्यों बुलाते हैं? अरे पशु तो है तू। पशुपति नाथ नाम है मेरा, पूरा नाम लीजिए। अरे पशुपति नाथ तो भगवान का नाम है, तो मैं क्या भगवान को कहूँ कि पशुपति नाथ ये कर, पशुपति नाथ मेरी धोती ले आ। हैं? अरे भगवान को मैं हुक्म नहीं दे सकता, इसलिए तुझे पशु कहता हूँ। तो पति कहिए। भैया तू मेरा पति है, तू चुप कर। तू जाके वर्कर्स को बुला जा। लेकिन मुझे जरूरी बात कर। तू बाद में जा। अरे चाय न सही, कम से कम गर्म पानी तो दो ताकि मेरा बंद कोष खुले। बंद कोष मतलब? मतलब पेट साफ है, वरना कब्ज हो जाएगा। अरे आप लोग पहले इससे डांटिए ना, ये मेरे भगवान को बीच में क्यों लाया? अरे आप उसमें गलत इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? प्राचीन ऊंची आवाज में मुझसे बात। अरे आप मुझे कैसे बात करें? मुझसे क्या शोर मचा रखा है? क्या शोर मचा रखा है? ये घर को मच्छी मार्केट बना दिया। छेदी अच्छा हुआ तू आ गया। ज्ञान जी पिताजी, किस बात पे इतना हल्ला हो रहा है? पिताजी आज फिर दूध चोरी हो गया। अभी तो दिन की शुरुआत नहीं हुई और 70 रुपए का नुकसान। जिम्मेदारी का तो कोई एहसास नहीं है किसी को। सबके भत्ते में से पैसे काट लूंगा और अगले 10 दिन तक दोपहर की चाय आधी प्याली। मुझे भी? सभी की। दूध किसने चोरी किया वो तो मैं ढूंढ लूंगा, लेकिन अभी शंकर विलास होटल में फोन करो और चाय मंगवाओ सबके लिए। मैम वो चाय के पैसे भी काट लूंगा सबके। मेरी चाय भी आधी कर देगा कंजूस। दूध के पैसे काटेंगे, 15 दिनों तक दोपहर को आधी चाय देंगे, और आज जो शंकर विलास हिंदू होटल से चाय आएगी उसके पैसे भी हमारे भत्ते से काटे जाएंगे। 70 रुपए के सामने जब तक 240 रुपए वसूलेंगे नहीं तब तक यहाँ शांति नहीं मिलेगी। अच्छा है, कम से कम सब लोग चाय पे तो मिलेंगे। हेलो। हाँ ठीक है, मैं भेजता हूँ। ए छोटू, उस बिना ऑटो वाले घर में चाय दे क्या? अच्छा तेज भैया, आपकी कम शक्कर वाली लाइट चाय। थैंक यू छोटू। आज फिर से दूध चोरी हो गया। तुझे कैसे पता? तो ही तो आप हमारी दुकान पे चाय का ऑर्डर दोगे ना। एक बात बता, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे घर का दूध तू चोरी कर रहा है ताकि तेरे सेठ को हमारे घर से ऑर्डर मिल सके? ऐसा होता तो मैं रोज चोरी करता दूध की। इसका मतलब चोर कोई घर का ही है। ए, बात सुन, रखना इसको। आ जा बैठ जा। हेलो
छुट्टा बाद में लाके देता हूँ। अरे नहीं, चाय के पैसे तो बाबूजी देंगे, ये तेरे लिए। क्यों? मुझे तुझसे काम है। क्या काम? दादाजी, आपकी गरम मसालेदार कड़क चाय। वाह वाह, शायद इससे मेरा बंद कोष खुल जाए। दादाजी, एक बात कहनी थी आपसे। कहो। अपने मुंह में दही जमा है, वो चाय वाले से संदेशा भेजा कि सब इकट्ठा हो जाओ करके। वो मैंने सोचा कि सुबह सुबह दूध को लेकर के लोग इतने चिड़चिड़े। सोचो मत, अभी इकट्ठा किया है सबको, बोल। वो एक मिनट, मुझे एक जरूरी बात कहनी है। कहिए भैया। मेरा टूथब्रश कोई इस्तेमाल कर रहा है। हाँ, और मुझे भी दो तीन दिन से। एक मिनट, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। चार दिन से देख रहा हूँ कि मेरे इस्तेमाल करने से पहले मेरा ब्रश मुझे गीला मिलता है। और मुझे भी मेरा तौलिया दो तीन दिन से ऑलरेडी यूज्ड मिलता है। आप लोग की तो सिर्फ चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, मेरी तो शर्ट गायब हो गई है। कलयुग कलयुग, पृथ्वी का अंत अब नजदीक है। एक मिनट एक मिनट, मैं आप सबसे एक बहुत ही जरूरी बात करना चाहता हूँ। मेरी बात एक बार सुन लीजिए, फिर आप लोगों को जो कहना है कहते रहिए आप लोग। एक मिनट पहले मेरी बात सुने भैया। ज्ञान, उसे कहो उसकी बात बाद में करें। जी ज्ञान, इनसे कहो कि जब मैं बाद में बात करूं तो मेरी बात सुने, उससे पहले चले ना जाए। अब जी, बड़े भैया कह रहे थे कि। तेज बोलो। वो मैं आप लोगों से एक बहुत जरूरी बात करना चाह रहा था, इसीलिए मैंने आप लोगों को चाय पे इस तरीके से। बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूं कि मैं आप लोगों से इकट्ठा एक बात कर सकूं। हाँ हाँ, बोलो बोलो। पिताजी, वो। अरे आगे तो बोल। हाँ हाँ, वो पिताजी, क्या है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूं और उसे इस घर की बहू बनाना चाहता हूं।